ये तो बहुत आसान है ये। नहीं तो हाँ, तो सबसे पहले सिक्स, कोई बात नहीं, एक आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर डिफिकल्ट पे भी आते हैं, जरा करके दिखाओ। सिक्स ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आप लोग सर करोगे, करो कौन फटाफट। सा? क्वेश्चन नंबर सिक्स ये दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये 2008 में आया था, ये आया था कितने मार्क्स में? 4 मार्क्स में। तो क्या आप सर लोगों को आंसर को 4 मार्क्स कलर कर आएगा कि नहीं? दो, हाँ क्या कह रहे हो? आंसर आंसर को कलर कर दो, दिख रहा है। ये लो। हाँ आंसर गलत है, आंसर के चक्कर में पड़ो, कई बार आंसर गलत दे देते बुक वाले। मैं तो हमेशा कहता नहीं हूँ सर, बुक का फिर ना आंसर अगर गलत ही आंसर है। वो आता है ना तो फिर एक हाँ वो चलो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, चलो, इसलिए। ओके आंसर मैंने छुपा दिया है, वैसे आंसर सही था ये, ठीक है आंसर छुपा दिया मैंने। अब जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट है, 3 मिनट में आपको लाने हैं 4 नंबर, तो करके दिखाओ। कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सिनेहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना भी अच्छा रहता है। तो करो जरा क्वेश्चन नंबर 3, मैं आपको 3 मिनट दे दिया है मैंने, अब करो आप। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखो जरा, मैंने कर दिया सॉल्व। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल को ही हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलेंगे। सेल्स गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, तो इससे क्या निकल के आएगा? एनआईटी निकल के आएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो एनआईटी आ जाता है। हमें निकालना है वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो पहले तो मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला लिखा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स दी हुई थी 10,000, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लिखना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 800 माइनस 1,000 लिखना है, ये नहीं कि 1,000 माइनस 800 लिख देना, तो 9,800 आ जाएगा। फिर जीडी पे एटएमपी, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखना है, तो जीडी पे एटएमपी निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑलरेडी आ गया, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो 200 दिया हुआ था परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो इसमें एनआईटी का कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जो ये एनआईटी दिया हुआ था ना, इसको कुछ नहीं करना, कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन फालतू के दिए होते हैं। ये था 200 इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ये आंसर आसान सा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर भी आ गया।